आवर नेक्स्ट चैप्टर इज एडिशन. सेकेंड चैप्टर इज एडिशन. सो लेट्स सी. स्टूडेंट्स हैव टू मेक पेपर फ्लावर्स इन क्राफ्ट क्लास. क्राफ्ट क्लास में स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पेपर फ्लावर्स बना रहे हैं. ईच टीम कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टूडेंट्स हैज़ टू मेक 10 फ्लावर्स. अभी यहाँ पर टीम बनाए गए हैं, हर एक टीम में 2-2 स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 10 फ्लावर्स बनाना है. फिल इन द नंबर ऑफ फ्लावर्स मेड बाय द सेकेंड टीम नंबर. अभी यहाँ पर फर्स्ट टीम का दिया है नंबर्स कि फर्स्ट टीम ने कितने बनाए हैं और सेकेंड टीम ने कितने बनाए हैं वो हमें लिखना है. और काउंटिंग 10-10 की हमें दे दी गई है क्योंकि 10-10 फ्लावर्स बनाने थे. फर्स्ट टीम ने अपना फ्लावर्स बनाना कंप्लीट कर लिया है, सेकेंड टीम ने देखते हैं कितने बनाए हैं. सी हेयर, हमारे चैप्टर का नाम ही है एडिशन. एडिशन मीन्स हमको प्लस करना होता है. ये प्लस का सिंबल है. यहाँ 2 है, फर्स्ट टीम ने 2 फ्लावर बनाए हैं तो सेकेंड टीम ने कितने बनाए होंगे जिसका एडिशन 10 होगा. अभी ये 2 है तो 2 में कितने नंबर ऐड करने पर सबका टोटल 10 आएगा. अभी देखो 2 फ्लावर बनाए हैं, 2 में आप कितने ऐड करेंगे तो 10 आंसर आएगा. तो देखते हैं 3, 4, 5, ये 2 पहले से थे. यहाँ देख लेते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं. ये 2 है ना, ये 2 ऑलरेडी प्लस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइन ड्रॉ कर ले, लाइन ड्रॉ की है हमने. देखते हैं कितने हैं लाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितने. ये 2 लाइन ऑलरेडी थी, यहाँ पर 2 लाइन 2 दिया था, 2 फ्लावर्स बनाए थे स्टूडेंट ने फर्स्ट टीम के. अभी सेकेंड टीम के ये कितने हैं टोटल, 8. मीन्स सेकेंड टीम ने 8 फ्लावर्स बनाए. तो 8 प्लस 2 एडिशन दोनों का प्लस करने पर होता है 10. ओके, सेम इसी तरह फर्स्ट टीम ने 6 फ्लावर्स बनाए हैं तो सेकेंड टीम ने कितने बनाए होंगे जिसका एडिशन 10 आएगा. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी फ्लावर्स बना लिए हैं. 6, 7, 8, 9, 10 4 मीन्स 4 फ्लावर्स सेकेंड टीम ने बनाए जिसका एडिशन आया 10. यहाँ पर फर्स्ट टीम ने 5 फ्लावर्स बनाए हैं और उसमें 5 ऐड करने पर 10 एडिशन आ जाएगा सबका. मीन्स सेकेंड टीम ने 5 फ्लावर्स बनाए हैं. देन 3 में कितना नंबर ऐड करने पर टोटल 10 आएगा. 3 में हम 7 ऐड करेंगे तो एडिशन 10 आएगा. मीन्स सेकेंड टीम ने 7 फ्लावर्स बनाए. यहाँ फर्स्ट टीम ने 1 फ्लावर बनाए. 1 फ्लावर में और कितने नंबर ऐड करेंगे फ्लावर्स के नंबर जो कि टोटल 10 आएंगे. 9 ऐड करेंगे. 9 + 1 = 10 होता है. सो 10. ओके, व्हेन वी पुट थिंग्स टुगेदर वी ऐड. जब हम साथ में लेते हैं कोई भी चीज़ को तो उसको ऐड करना होता है. नेक्स्ट, राइट द सम ऑफ द एजेस ऑफ दिस ट्विन्स. अभी यहाँ पर ट्विन्स बच्चे हैं आपके, आपको उनके एज का एडिशन करना है, सम करना है. ये यहाँ पर 2 ट्विन्स गर्ल्स है. इसकी फर्स्ट वाली गर्ल की एज 5 ईयर है और सेकेंड वाली गर्ल की भी 5 ईयर ओल्ड है. सो देखते हैं दोनों की एज कितनी है. 5 + 5 यानी 5 में हमको 5 ऐड करना है. ये 5 है, उसमें 5 ऐड कर दो कितने हो जाएंगे, 10. सो दोनों के मिला के एज कितनी है, 10. इसी तरह यहाँ पर 2 बॉयज़ है. ये बॉय की एज 8 ईयर है और एक दूसरे बॉय की भी 8 ईयर है. सो देखते हैं दोनों का कितना एज है मिलाकर.
एट और एट एडिशन कर लेंगे, 16 हो जाएगा। आप फिंगर्स पर काउंट कर सकते हैं या इस तरह से लाइन ड्रॉ करके भी काउंट कर सकते हैं। अभी यहाँ टू गर्ल्स हैं, इस गर्ल की एज 6 है और सेकेंड गर्ल की एज भी 6 है, सो 6 में 6 एडिशन कर लेते हैं, 12। यहाँ भी टू गर्ल्स हैं, वन गर्ल की एज 9, सेकेंड गर्ल की एज 9, सो 9 प्लस 9 18, दोनों की एज कितनी हो गई मिलाकर 18। यहाँ टू बॉयज़ है, ये बॉय की एज 7 है, ये बॉय की एज 7 है, सो 7 प्लस 7 14, दोनों को ऐड कर लोगे तो 14 आंसर आएगा। नेक्स्ट 14 उनकी एज आएगी। नेक्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग पेबल्स, द ग्रुप विद द ग्रेटर नंबर ऑफ पेबल्स विल विन, एड टू फाइंड विच ग्रुप विंस। यहाँ पर टू ग्रुप दिए हुए हैं और उनमें कंपटीशन है, सो देखते हैं कि कौन से ग्रुप विन करता है, किस ग्रुप के नंबर ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर ग्रुप वन में श्रुति है जिसको 6 नंबर है और दीपक है जिसमें जिसको 8 है, सो ऐड बाय मेकिंग ग्रुप्स ऑफ 10। अभी यहाँ पर हमको काउंटिंग करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने श्रुति के पास 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, दीपक के पास 8, सो यहाँ पर दिया है श्रुति के पास 6, दीपक के पास 8, हमें क्या करना है इसका एडिशन करना है, 6 प्लस 8 कितना होता है, 6 में 8 को ऐड करो, 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना होता है 14, 1 4 14। अभी 14 में वन टाइम 10 आता है और 4 आता है, तो ये टेंस में 1 लिख लेंगे और वंस में 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है, अमान को 28 नंबर्स है और साकिब को 9 नंबर है, तो यहाँ पर लिख लिया है 28 प्लस 9, ओके, दोनों के नंबर का हम एडिशन करेंगे, तो हमको इस नंबर लाइन पर देखना होगा, ऐड ऑन द नंबर लाइन। अभी 28 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो आपको करना ये है 28 से लेकर 9 नंबर तक आगे फॉरवर्ड काउंटिंग करना है, देखते 28 29 30 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ तक, 9 तक काउंटिंग करना है, 28 से लेके 9 दिया है ना, तो 9 तक काउंटिंग करना है, तो कितना कौन सा नंबर आ रहा है 9 नंबर पे, 37 मीन्स ये दोनों की काउंटिंग कितनी हो गई, 37, ओके। तो विनर कौन है, 14 श्रुति और दीपक का ग्रुप है या फिर अमान और साकिब का, किसके ज़्यादा नंबर है हाईएस्ट, 14 या 37, 37 इज़ ग्रेटर, सो द विनर इज़ ग्रुप टू, ग्रुप टू विनर है। सो नेक्स्ट एड एंड रिवाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, यहाँ दिया है 6 प्लस 0 इक्वल टू, मीन्स ये दोनों का एडिशन कितना आता है, तो यहाँ नोट है, व्हेन वी ऐड 0 टू एनी नंबर द सम इज़ द नंबर इट्सेल्फ, मीन्स हम 0 को कौन से भी नंबर में एडिशन करेंगे तो जो नंबर आपको दिया है वही आंसर होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, इसलिए ये नंबर एज इट इज़ आएगा 0 का 0 एडिशन में, ओके। 0 प्लस 15, चाहे 0 किधर से भी आओ, इधर आओ या इधर आओ, बट जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, 15 का 15। नेक्स्ट 7 प्लस 4 इज इक्वल टू, मीन्स इन दोनों का एडिशन क्या आता है, व्हेन वी ऐड, सो व्हेन वी ऐड टू नंबर्स
चेंजिंग देयर ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम। अभी सी है कि यहाँ पर सेवन है, यहाँ फोर है, बट उसका ही उल्टा, यहाँ पर फोर दिया, यहाँ सेवन दिया। हाँ, तो ये प्लेसेस चेंज होने से उनका सम यानी उनका एडिशन चेंज नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। तो सेवन है उसमें फोर एडिशन करो, सेवन में फोर तो एलेवन हो जाता है। ओके, इसका आंसर क्या आया, एलेवन। अब ये फोर में सेवन ऐड करो कितना आता है, एलेवन ही आएगा। तो नोट में वही बोल रहा है कि जब ये प्लेसेस चेंज होंगे तो उनका आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, टेन प्लस टू प्लस फोर, व्हेन वी ऐड थ्री नंबर्स वी कैन ऐड एनी टू फर्स्ट। मीन्स जब हमको थ्री नंबर ऐड करना होता है तो हम कोई भी दो नंबर को पहले ऐड कर लेना होता है, देन वो दो नंबर का जो भी सम आएगा यानी एडिशन आएगा उसको तीसरे नंबर में ऐड करना होता है। ओके, एंड द सम रिमेन्स द सेम। ओके, तो देखते हैं, टेन में टू को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व। अभी ये ट्वेल्व में ये फोर को ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, फोर्टीन, वो थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सिक्सटीन हो जाएगा। ओके, सेम इसी तरह टू में फोर को ऐड कर लो, सिक्स हो जाता है। सिक्स में टेन ऐड कर दो, सिक्सटीन हो जाएगा। सेम फोर में टेन को ऐड करो, फोर्टीन हो जाएगा। फोर्टीन में टू ऐड करो, सिक्सटीन हो जाएगा। मीन्स यहाँ सम सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है एडिशन, बट प्लेस क्या है, सबकी चेंज है। पहले यहाँ टू आया, देन यहाँ आया, देन यहाँ आया, यहाँ फोर टेन आया, देन यहाँ आया, यहाँ आया, बट सम चेंज नहीं हुआ। ये नंबर के प्लेस चेंज होने की वजह से सम चेंज नहीं होता है। जस्ट एज फोर प्लस नाइन इज इक्वल्स टू नाइन, फोर प्लस फाइव इज इक्वल्स टू नाइन, मतलब फोर में आप फाइव का एडिशन कर दो तो नाइन आंसर आता है। तो सी हियर, जब हम यहाँ लेंगे फोर टेंस, फोर टेंस मीन्स फोर्टी, और प्लस लेंगे फाइव टेंस यानी फिफ्टी, इज इक्वल्स टू नाइन आंसर, मीन्स नाइन टेंस। उसका क्या आता है, फोर टेंस मीन्स फोर्टी, फाइव टेंस मीन्स फिफ्टी, नाइन टेंस मीन्स नाइनटी। ओके, सेम इसी तरह नाइन प्लस सेवन की एडिशन होती है सिक्सटीन, सो नाइन टेंस प्लस सेवन टेंस आता है सिक्सटीन टेंस। ओके, मीन्स नाइन टेंस मीन्स नाइन्टी, सेवन टेंस मीन्स सेवेंटी, सिक्सटीन टेंस मीन्स 160। यानी आपको 10 10 को 16 टाइम प्लस करोगे तो आपका आंसर 160 मिलेगा। सेम इसी तरह 8 टेंस, 4 टेंस या 12 टेंस आ जाएगा, या 80 या 40 और या 120, या 6 प्लस 5 का एडिशन 11 है, 6 टेंस, 5 टेंस, सो 11 एज इट इज़ 11 टेंस। सो 6 टेंस मीन 60, 5 टेंस मीन 50, 110। ओके,